हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की भाई हायरार्किकल क्लस्टरिंग आखिर होता क्या है। पहली बात तो नॉर्मल क्लस्टरिंग क्या होता है, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। समझ लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स थोड़े और ले लेते हैं। ये मेरे और डेटा पॉइंट्स, इनका क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं, ये एक क्लस्टर है, दूसरा क्लस्टर, नामकरण कर देते हैं, K1 है ये K2 है, बराबर हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब इसमें से मतलब निकालते हैं कि ये दो डेटा पॉइंट्स जो है वो एक ही क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। इसका सिंपल सादा मतलब क्या है कि ये जो दो पॉइंट्स है इनमें पक्का कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, इनमें पक्का कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, इस वजह से ये एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज इन दिस केस K1। यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स है इस क्लस्टर में इनमें पक्का कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, जिस वजह से ये एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। और दूसरा पहलू अगर देखेंगे तो ये वाला एक पॉइंट पकड़ लो जो K2 को बिलोंग करता है, और ये वाला एक पॉइंट पकड़ लो जो K1 को बिलोंग करता है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ये दो अलग अलग क्लस्टर्स को बिलोंग कर रहे हैं, ये वाला K1 को, ये वाला K2 को। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लस्टर्स, कि पक्का इन दो पॉइंट्स में, पक्का इन दो पॉइंट्स में पक्का कुछ ना कुछ भाई डिससिमिलैरिटी होगी, पक्का कुछ ना कुछ असमानताएं होंगी, इस वजह से ये दोनों डिफरेंट क्लस्टर्स को बिलोंग करते हैं। ये सिंपल सी चीज है जो क्लस्टर्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी इन क्लस्टर्स को जब आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स, देन मैं इसकी तरफ मुड़ता हूं। तो जब मैं हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स में इंटरेस्टेड हूं, जब मुझे वो बिल्ड करना है हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स, देन आई टर्न टू द हायरार्की क्लस्टरिंग। और इसमें दो चीजों के बारे में, दो टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। एक है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग और दूसरा है डिविसिव क्लस्टरिंग। दोनों को समझेंगे एक जनरलाइज्ड एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या प्लॉट किया है, मेरे पास ये 5 डेटा पॉइंट्स है बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं एक्स वाई प्लॉट के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लस्टर्स फॉर्म करने, कैसे क्लस्टर फॉर्म हो रहे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें आंखों से ही दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन बाय द ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, ये बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के, बहुत ही नजदीक है, तो इनका एक क्लस्टर बन सकता है। तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बराबर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिकॉज अभी ये दोनों एक ही क्लस्टर में जा चुके हैं, बराबर। अब उसके बाद बाय ऑब्जर्वेशन मुझे वापस पता चल रहा है कि भाई ये जो है, ये दो पॉइंट जो है सी और डी, ये भी एक क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, सी और डी एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, बराबर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये ई पॉइंट छूट गया। अब ये ई पॉइंट इस क्लस्टर के पास है, इस क्लस्टर के पास है, ऑब्वियसली उस वाले क्लस्टर के पास है। तो यहां पे मैं एक और क्लस्टर बना देता हूं, वन मोर क्लस्टर आई विल फॉर्म। तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, मतलब सी डी का क्लस्टर, उसके अंदर ई भी एडअप हो गया है, उसके अंदर ई भी एडअप हो गया है। तो ये क्लस्टर हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये पूरा एक के अंदर डाल देंगे, ये पूरा का पूरा जो है वो एक के अंदर डाल देंगे। तो वो कैसा होगा, ये वाला इस तरीके से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स को बिल्ड किया है। व्हाट आई हैव डन, सिंपली हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स को बिल्ड किया, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए बी ये क्लस्टर यहां पे फॉर्म हुआ है, यहां पे क्या हुआ है सी डी ये क्लस्टर फॉर्म हुआ है, यहां पे क्या हुआ है सी डी और ई ये क्लस्टर फॉर्म हुआ है, और फाइनली यहां पे क्या हुआ ए बी सी डी और ई ये यहां पे फॉर्म हुआ है। तो यू कैन सी हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स दैट आर गेटिंग फॉर्म्ड। इसीलिए यहां पे हम लोग हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को सीख रहे हैं। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का सिंपल सा बेसिक फंडा क्या है, यू स्टार्ट विद इंडिविजुअल डेटा एटम्स, बराबर, इंडिविजुअल डेटा आइटम्स, और फिर उसके बाद क्या करते हो आप, क्लस्टर बनाना शुरू करते हो। मतलब यहाँ पे अप्रोच कैसा है, बॉटम टू अप, दैट इज बॉटम अप अप्रोच इज फॉलोड बाय द एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, जो कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से वी फॉर्म द क्लस्टर्स अकॉर्डिंगली वी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अब ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट क्यों किया, इसका कुछ मतलब है क्या, इससे कुछ मैं बताना चाहता हूं कि हाँ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने बताया आपको, बॉटम से आप रिप्रेजेंट किया, उसे हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम। मतलब डेंडोग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट दिस हायरार्किकल क्लस्टरिंग। जैसे अभी मैंने एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द डेंड्रोग्राम, बराबर। अभी इसी तरीके से डिविसिव को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्लोमरेटिव क्या अप्रोच फॉलो करता है, बॉटम टू अप, इट इज फॉलोइंग बॉटम टू अप अप्रोच। उसी तरीके से डिविसिव क्या करता है, टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड बाय डिविसिव। मतलब क्या कि अभी मेरा समझ लो एक क्लस्टर यहाँ पे, सो आई विल ड्रॉ इट हियर, बराबर, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड। अब समझ लो मैं स्टार्ट करता हूं ए बी सी डी ई, मतलब इन डिविसिव आई एम स्टार्टिंग विथ वन
क्लस्टर एंड दैट क्लस्टर इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. जितने भी डेटा पॉइंट्स मेरे प्रॉब्लम में है वो सारे के सारे इनिशियली मेरे एक क्लस्टर के अंदर आ जाते हैं. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद डिविसिव नेचर मतलब आपको डिवाइड करते जाना है उस क्लस्टर्स को इनटू नंबर ऑफ क्लस्टर्स. कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ए और बी एक क्लस्टर में ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सी डी और ई एक क्लस्टर में ले लिया, इस तरीके से बात बराबर है. उसके बाद ए और बी को वापस से मैंने डिवाइड किया ए और बी में, उसके बाद यहां पे मैंने उसे सी डी और ई में बराबर, और एक बार मैंने यहां पे डिवाइड किया कैसे सी और डी में. तो यहां पे हमें फाइनली डिफरेंस पता चल रहा है, ये था एग्लोमरेटिव बॉटम टू अप, ये था डिवेसिव टॉप टू डाउन. समझ में आया? तो यहां पे जहां से हमारी कहानी आज शुरू हो रही है वहां पे ये कहानी खत्म हो रही है डिवेसिव की, और जहां पे डिवेसिव की कहानी शुरू हो रही है वहां पे हमारी एग्लोमरेटिव की कहानी खत्म हो रही है. दैट इज द सिंपल डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि एग्लोमरेटिव में वी स्टार्ट विद इंडिविजुअल डेटा आइटम एंड वी कीप ऑन क्लस्टरिंग देम. तब तक क्लस्टर करते जाते हैं, तब तक क्लस्टर करते जाते हैं जब तक हमें एक सिंगल बड़ा वन क्लस्टर नहीं मिलता जिसके अंदर सारे के सारे डेटा पॉइंट्स है. तो समझ में आ गया? और यहीं से हम शुरुआत करते हैं डिवेसिव की. डिवेसिव में हम क्या करते हैं, वी टेक वन क्लस्टर विच कंपोजेस ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स लाइक इन दिस केस एंड वी कीप ऑन डिवाइडिंग देम, वी कीप ऑन डिवाइडिंग देम टिल व्हाट पॉइंट, कि जब तक एक ही आपका इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं मिलता. ओके, एंड दिस वन एलिमेंट इज जस्ट लाइक अ वन क्लस्टर ऑफ इटसेल्फ. बराबर, तो ए बी सी डी, सो इंडिविजुअल एलिमेंट पे हम आ गए. तो वही मैं दोहराऊंगा कि भाई यहां पे जैसे इसकी कहानी खत्म हुई है वहां से एक्चुअल में इसकी शुरू होती है बॉटम अप अप्रोच में, और जहां पे एग्लोमरेटिव की कहानी खत्म हुई है वहां से जो आपका डिविसिव है उसकी शुरू होती है इन द टॉप डाउन अप्रोच. दिस वॉज हाउ द यू आर फॉलोइंग द हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स इन केस ऑफ हायरार्चिकल क्लस्टरिंग. अब ये जो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग दोस्तों, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं विद सॉल्व एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छी तरीके से इसकी आइडिया आ जाए. वो आगे आने वाले वीडियोज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मेरी मदद हो गई होगी आपकी एग्जाम में, तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.